सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग पहले की तरह एकदम बेस्ट होंगे। तो गाइज, आज मैं आया हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे। तो गाइज, आज की हम लोग का टॉपिक होने वाला है एक मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग। तो गाइज, आप लोग थंबनेल पे देख के जैसे कि समझ ही गए होंगे, तो उसके लिए हम लोग को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन का नाम है लाइट रूम। तो गाइज, दोनों ही एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप लोग फटाक से दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी गाइस मैं इसमें बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ करूँगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके बैकग्राउंड और पीएनजी भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगर घंटे वाले बटन को आप लोग दबा देते हैं तो मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, उस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। एक का नाम है पिक्सआर्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन का नाम है लाइट रूम। तो हम लोग अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं फोटो एडिटिंग। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। तो गाइस, जितने मैं इसमें बैकग्राउंड पीएनजी यूज करूंगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग ऐड फोटो वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं और अपनी फोटो को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, अब हम लोग अपने मॉडल के पीएनजी को यहाँ पे फटाक से ऐड कर लेंगे। तो गाइस, ये रहा हम लोग का मॉडल का पीएनजी, हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया, देखिए हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, हैं? और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। देन हम लोग को दोबारा से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर चलना है एंड रिसेंट पर जाना है। देन हम लोग यहाँ से पिक्सआर्ट वाले फोल्डर पर जाना है एंड हम लोग को ये प्लेइंग कार्ड का पीएनजी ले लेना है। हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पे जो इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग को इरेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड इसका साइज जो हम लोग को कम कर देना है एंड जो इधर अगल बगल ज्यादा लग रहा है जहाँ पे वहां पे इनको हम लोग को इरेज कर देना है। बस कुछ ही रखना है नीचे का और ये सब इरेज कर देना है। तो गाइस, देखिए हम लोग का ये अब अच्छा लग रहा है, अब हम लोग यहाँ से टिक कर लेंगे। देन हम लोग को फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है एंड हम लोग को अपने फायर पार्टिकल्स का पीएनजी उठा लेना है। तो हम लोग अभी यहाँ से रिसेंट में आते हैं, यहाँ से हम लोग डाउनलोड में जाएंगे एंड स्क्रॉल डाउन करके फायर पार्टिकल का पीएनजी हम लोग उठा लेंगे। तो हम लोग फायर पार्टिकल के पीएनजी को उठा लेते हैं। तो गाइस, ये हम लोग का फायर पार्टिकल का पीएनजी, हम लोग इसको यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। देन हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन ब्लेंड पे जाएंगे, देन स्क्रीन पे जाएंगे एंड इसको हम लोग और बड़ा कर लेते हैं। जूम करके हम लोग यहाँ पे नीचे साइड पे हल्का सा लगा देंगे। देन हम लोग को जो लेफ्ट कॉर्नर पर टिक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है। तो हम लोग का पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का काम खत्म हो चुका है। तो गाइस, अब हम लोग को सबसे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाना है एंड ड्रॉ पे आना है, देन ड्रॉ पे जाना है। हम लोग आगे ड्रॉ टूल के अंदर हम लोग के यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर टिक वाले ऑप्शन के नीचे जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। देन हम लोग को सेव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम लोग इसकी जो फोटो है हम लोग की फुल एचडी क्वालिटी में सेव हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा क्वालिटी का लॉस नहीं हुआ है। तो गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। देन हम लोग को यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हम लोग यहाँ ऊपर से टाइम सेलेक्ट कर लेना है एंड अब हम लोग की फोटो सबसे पहले जो हम लोगों ने मतलब सबसे पहले जो अभी एडिट करी है या फिर सबसे पहले जो हम लोगों ने कुछ भी करा होगा तो जो सबसे पहली फोटो होगी वही आएगी। तो गाइस, देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए सक्सेसफुली इम्पोर्टेड हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे ऑल फोटोज पे, देन हम लोग इस वाली फोटो पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, ये वाले टूल पे चले जाना, सॉरी इसके पहले वाले टूल पे जाना है, एक्सपोजर को 20 तक बढ़ा देना, कंट्रास्ट को माइनस में रखना है, हाईलाइट्स को माइनस में रखना है और थोड़ा माइनस कर देना है, शैडोज को बढ़ा देना है गाइस, ब्लैक को भी बढ़ा देना है एंड हम लोग को इसके नीचे वाले टूल पे चलना है। देन हम लोग को यहाँ जो बी एन डब्ल्यू के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ऑरेंज पे आना है, ल्यूमिनेंस की बढ़ानी है तो हम लोग के फेस का कलर थोड़ा सा ब्राइट होगा, सैचुरेशन माइनस कर देनी है एंड रेड पे आना, इसकी सैचुरेशन प्लस कर देनी है,
येलो पे आना, इसकी प्लस कर देनी है, एंड ब्लू पे आना, इसको भी प्लस कर देना है हम लोग को। देन अब हम लोग को यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड वाइब्रेंस हम लोग को हल्की सी इस फोटो में ऐड कर देनी है। उसके बाद हम लोग को नीचे वाले टूल पर चले आना है। नीचे वाले टूल पर आने के बाद हम लोग को क्लैरिटी ऐड करनी है, एंड हल्का सा हम लोग को यहाँ से विगनेट ऐड कर देना है। एंड उसके भी नीचे वाले टूल पे आएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग फोटो में थोड़ी सी शार्पनेस को ऐड कर देंगे। तो गाइस हम लोग की फोटो हो चुकी है परफेक्टली एडिटेड। तो गाइस हम लोग बिफोर आफ्टर करके दिखा देते हैं। तो गाइस इसमें क्लिक करके रखेंगे, देखिए ये हम लोग की बिफोर थी एंड ये हम लोग की आफ्टर है। तो गाइस देखिए हम लोग के फेस पर कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ये हम लोग की बिफोर में देखिए गाइस कितना ब्लैक लग रहा है फेस, एंड ये हम लोग की आफ्टर में कितना मतलब अच्छा लग रहा है फेस। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। देन सेव टू डिवाइस वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, एंड अपनी फोटो को फुल HD क्वालिटी में सेव कर लेंगे। एंड हम लोग की फोटो हो चुकी है सेव। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, और बताइएगा मुझे कमेंट में जाके मैं ऐसे वीडियो और निकालूँ।